वेल हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेड ब्लड म्यूज़िक प्रोडक्शन। और ये है हमारी मोबाइल सीरीज़ की सेकेंड वीडियो। इसमें हम शुरू से लेके एंड तक पूरा सॉन्ग कंप्लीट करेंगे और इस वीडियो में हम बनाएंगे इंट्रो मेलोडी। जो इस सॉन्ग की इंट्रो मेलोडी है हम पहले वो बनाएंगे, उसके बाद बाकी के स्टेप्स करेंगे। तो ये इंट्रो वाली वीडियो है। तो बेसिकली जैसा कि ये मेरा वोकल है, इसे एक बार सुन लेते हैं कि कौन सा वोकल है। मैं इसकी प्रोसेसिंग भी दिखा चुका हूँ। चाहिए किसी साय में जगा जा बहुत बार है। तो इसकी हल्की सी प्रोसेसिंग मैं कर चुका हूँ। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो इसकी कुछ प्रोसेसिंग मैं कर चुका हूँ पहले, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे आगे चल के। इसकी प्रोसेसिंग चेंज करेंगे मैं अकॉर्डिंग टू म्यूज़िक। तो हमें इसकी मेलोडी बनानी है। तो स्टार्टिंग मेलोडी में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक पियानो। तो हम एक बार पियानो देख लेते हैं कौन सा पियानो बेस्ट रहेगा इसके लिए। कीबोर्ड सही रहेगा मेरे ख्याल से। हाँ ये सही है, ये अच्छा साउंड कर रहा है। तो हम अब मेलोडी बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है उसके मुकाबले मेलोडी बनाना। ओके, एक इसमें देख लेते हैं हम। थोड़ा माउस से कन्वीनियंस हो जाता है इस चीज में कि हम आसानी से थोड़ा बना पाते हैं। ओके, अभी सही साउंड कर रहा है। अभी हम इसके नीचे की मेलोडी बना लेते हैं, थोड़ी सी और कंप्लीट करेंगे। हम लेंगे डी। तो अभी देखते हैं कैसा साउंड करेगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम दूसरी मेलोडी बनाएंगे सी। राइट, इन्हें हम ऊपर लेके जाते हैं, इसे होल्ड करने से फिर इसे हम इन्हें ड्रैग कर सकते हैं इस हिसाब से। अभी ठीक है। ओके, नीचे भी हम थोड़ी सी मेलोडी लगा देते हैं। इसे थोड़ा सा पीछे तक ये थोड़ा सा अच्छे से मैच करे उसके साथ। यहाँ पे हम कॉपी करेंगे सेम, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। तो इससे थोड़ी सी हमारी मेहनत बचेगी। उसके बाद हम एक नोट यहाँ पे नीचे इसे छोटा करेंगे और यहाँ पे इसे वापस एक और नोट। अभी पूरी मेलोडी सुन लेते हैं, एक बार नीचे वाले नोट्स भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलो यहाँ पर
हमारी स्टार्टिंग मेलोडी तैयार हो गई है। कुछ नोट्स हम यहाँ नीचे लगा के देख लेते हैं। ठीक है, ऑल राइट, अभी हम जाएंगे। अब यहाँ पे हम एक मेलोडी और लगाएंगे, उसके लिए हमें कुछ अलग चीज़ें चाहिए। जैसे कि वॉयलिन मिल जाए तो बहुत बढ़िया, मज़ा आ जाएगा, बट देखते हैं अगर यहाँ पे मिलता है तो। ओके, यहाँ तो नहीं मिला। फ्लूट से काम चल जाएगा अगर वॉयलिन नहीं मिला तो। पहले हम फ्लूट ले लेते हैं, उसके बाद हम दूसरे किसी चीज पर काम करेंगे। तभी मेलोडी बना लेते हैं हम अपनी। तो अभी ठीक है, काम चल जाएगा हमारा। अभी इस मेलोडी को हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, इतना ठीक है मेरे ख्याल से। तो अभी हमें दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस पैटर्न को हम यहीं से इसे कॉपी कर लेंगे, दूसरे इंस्ट्रूमेंट में चिपका देंगे। और यहाँ से हम कर लेते हैं कट। यहाँ एक बार मेलोडी के साथ इसे बजा के देख लेते हैं।
ऑर्केस्ट्रेटर में जाके एक बार हम ये ले लेते हैं वायलिन, ओरिजिनल सॉन्ग में ही वायलिन यूज हुआ तो हम इसमें भी कर लेते हैं। इसे हम कॉपी करके यहाँ कर देते हैं, यहाँ पेस्ट, थोड़ा जूम कर लेंगे यहाँ से और इसे यहाँ कर देंगे पेस्ट। कॉपी करके नया पैटर्न यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा स्लाइड करने के लिए, जूम कर लिया हमने, एक बार और पेस्ट कर देते हैं इधर थोड़ा सा यहाँ से, हो गया। यहाँ पे हम इसे थोड़ा स्लाइड करके आगे ले आते हैं, तो अभी ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है बट उतना खास मैच नहीं कर रहा क्योंकि इस पे हमें मिक्सिंग नहीं की है, तो इस पे थोड़ी सी मिक्सिंग कर लेते हैं हम। और पहले यहाँ पे हम एक EQ लगा लेते हैं, थोड़ा सा ग्राफिक EQ, और इसमें देख लेते हैं हमें क्या करना है। क्यों कर लिया, अब थोड़ा सा इसमें रिवर्ब देनी बाकी है। पहले हम थोड़ा सा डिस्टॉर्शन देंगे इसमें सॉफ्ट, देखिए वो स्ट्रेंथ मिल गई इसे डिस्टॉर्शन से। अब इसमें थोड़ा सा रिवर्ब दे देते हैं, हमने इसकी ट्रैक वॉल्यूम कम कर दिया, अभी हम फ्लूट पे काम करेंगे। फ्लूट पे भी हम थोड़ा सा कंप्रेशन यूज करेंगे, सोलो कर देते हैं इसको। ओके, अब यहाँ पे थोड़ी सी रीवा, अभी मेरे ख्याल से सही साउंड करेगा ये।
साउंड्स गुड. अभी नेक्स्ट चलते हैं हम वायलिन के ऊपर. यहाँ से हम सोलो हटा देते हैं. अब वायलिन सोलो कर लेते हैं. इस पे थोड़ा सा EQ, हमें इसकी थोड़ी सी ब्राइट फ्रीक्वेंसीज चाहिए और मडी फ्रीक्वेंसीज को हम कर देते हैं कम. और यहाँ से हम थोड़ा सा ट्राई लेवल थोड़ा बढ़ा देता हूँ. यहाँ से अर्ली रिफ्रैक्शन हमने कहा बिल्कुल एफएल स्टूडियो पीसी जैसा ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है. अब मिक्सिंग हो गई है इसकी. सोलो बंद कर देते हैं यहाँ से. सेक्शन नहीं आएगा यहाँ पे, हमारा सॉन्ग स्टार्ट होना चाहिए. ये वाला सेक्शन हमने काट दिया है. अब यहाँ पर हम अपना वोकल लेके आएंगे. चाहिए किस थोड़ा सा जल्दी गया ये. चाहिए किसी, चाहिए किसी साए में जगह. हाँ बिल्कुल परफेक्ट साउंड कर रहा है. अभी हमें इसकी थोड़ी सी लेवलिंग कर लेते हैं क्योंकि अभी एक्सेस में नहीं होना चाहिए कुछ भी. ठीक है, अभी एक फाइनल रिजल्ट को सुन लेते हैं. तो इंट्रो मेलोडी हमारी हो चुकी कम्प्लीट. अब आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि हम इसके नीचे बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे देते हैं, ब्रिज म्यूजिक कैसे लगाते हैं और बीट्स कैसे लगाते हैं. तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो भी म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं. तो चलिए दोस्तों ओवर एंड आउट.